हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेहूं के आटे के बनने वाले बहुत ही टेस्टी और रसीले स्टफ गुलाब जामुन की रेसिपी। तो दोस्तों, बहुत ही रसीले गुलाब जामुन बनके तैयार होते हैं गेहूं के आटे से, और इसमें हम बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के इस गुलाब जामुन को बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो गुलाब जामुन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसको गैस पर मैंने चढ़ा दिया है। इसमें डाला है मैंने 2 कप दूध। अब इस दूध को मैं इसी तरह उबाल आने तक इसी तरह चलाते हुए हम इसको पका लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ समय बाद दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह। तो बस इसी तरह अब हमें दूध को चलाते हुए पकाते जाना है जब तक कि ये दूध है 1/3 ना बच जाए। मतलब इस दूध को हमें लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा इसको रिड्यूस करना है उबाल कर, और इसी तरह हमें चलाते जाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कई देर तक हमने इसको दूध को पकाया, और अब ये 1/3 कप दूध बच चुका है। आप देख सकते हैं दूध बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह के हमें दूध चाहिए, तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको कप में भर लिया है। ये कप 1/3 कप है, तो आप देख सकते हैं इतना दूध हमारा बचा हुआ है। तो चलिए अब इसके गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आटे के गुलाब जामुन बनाएंगे। तो उसके लिए एक परात में मैं लूँगा 1.5 कप गेहूं का आटा। आप देख सकते हैं इस तरह का, ये एकदम बारीक है। तो 1.5 कप आटे को मैं इस तरह परात में डाल दूंगा, और अब इसके अंदर डालूंगा मैं 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो ये लगभग 2 या 3 चुटकी भर वो है बेकिंग सोडा। तो इसको मैं एक बार अच्छे से कर लूँगा मिक्स। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब जो हमने मिल्क को रिड्यूस किया था वही मिल्क हम इसके अंदर डाल देंगे, और मिल्क डालने के बाद इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा। जैसे कि मोयन लगाते हैं उसी तरह हम इसको मिक्स कर लेना है। तो इन सभी को मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध का यूज़ करते हुए इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी जो है गुलाब जामुन बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आटे को हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा हमने गूंथ कर तैयार किया है, देख सकते हैं इस तरह का। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगा 1 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून, थोड़ा सा भी घी हम इसमें डालेंगे, और घी के साथ में हम इसको गूंथ लेंगे अच्छे से, यानी कि जो हमारा आटा है घी में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो इसी तरह मैं आटे को 1.5 मिनट के लिए गूंथ लूँगा जब तक कि अच्छे से चिकना ना हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया एकदम चिकना होने तक। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह थोड़ा सा लेना है, और हाथों को हमें घी से ग्रीस कर लेना है, यानी हाथों पे हमें लगाने लेना है थोड़ा सा घी। तो इस डो को हम, आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने आटा लिया था, इस तरह हम इसको गुलाब जामुन का शेप दे देंगे गोल गोल। दोस्तों, अगर आपको गोल गोल गुलाब जामुन बनाने हैं यानी बिना स्टफिंग के, तो आप इस तरह बना सकते हैं गोल गोल बिना क्रैक के। और अब इसको मैं बना रहा हूँ सिलेंड्रिकल शेप में, आप देख सकते हैं इस तरह। तो इसको मैं रोल कर दूंगा हाथों से। तो सबसे पहले हमें गोल गुलाब जामुन बनाना है, और उसको हमें हाथों से इस तरह सिलेंड्रिकल शेप दे देना है। और अब इसको मैं रख दूंगा प्लेट में, और सारे के सारे गुलाब जामुन मैं इसी तरह बनाकर तैयार कर लूँगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिया है। दोस्तों, 1.5 कप आटे से मैंने बना कर रखे हैं यहाँ पे लगभग 29 गुलाब जामुन। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 कप के करीबन घी गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह। उसको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस को कम कर देना है। तो दोस्तों, घी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह गुलाब जामुन डालने पर इस तरह के बबल्स निकलने चाहिए हल्के हल्के। तो इसी तरह का हमें घी गर्म चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसको हमें गुलाब जामुन को हमें डायरेक्ट कलछी से नहीं लगाना है। तो इस तरह हमें इसको चला लेना है थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह मैं आप इसमें सारे के सारे यानी कि जितने भी गुलाब जामुन एक बार में आ सके उतने डाल दूंगा। तो एक बार में मैं लगभग 10 से 11 गुलाब जामुन को फ्राई करके तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, अब इनको मैं मीडियम फ्लेम पर इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करता जाऊँगा, और नीचे से जब ये अच्छे फ्राई हो जाए तो इनको मैं पलट दूँगा।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसको हमें थोड़ा सा और फ्राई करना है, हल्का सा इसे गहरा कलर हमें देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने हल्का सा और फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इन गुलाब जामुन को मैं बाहर निकाल लूँगा और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा एक प्लेट में। तो सारे के सारे गुलाब जामुन मैंने निकाल लिए हैं, तो बचे हुए जो भी गुलाब जामुन हैं उनको भी हम इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे के सारे गुलाब जामुन को मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हमारे गुलाब जामुन जो है फ्राई होकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें क्रैक नहीं आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसके लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें अब डालूंगा मैं 1.5 कप चीनी और इसमें डालूंगा मैं 2 कप पानी। तो चीनी और पानी को डालने के बाद इसको मैं हल्का सा चला दूंगा और इसमें गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगा हाई, और हाई फ्लेम पर हम इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी को हमें ज़्यादा कड़क नहीं करनी है, बस चीनी को हमें उबालना है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 कूटी हुई इलायची और इसको भी कर दूंगा मिक्स, और इसमें एक अच्छा सा हमें उबाल आने देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चाशनी में आ चुका है अच्छा सा उबाल इस तरह का। तो अब इसको हमें लगभग 1 मिनट के लिए और पका लेना है, और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर गुलाब जामुन इस तरह। तो जो हमने फ्राई करके तैयार किए थे वो सारे के सारे गुलाब जामुन मैं इसके अंदर डाल दूंगा और इसको मैं हल्का सा चला दूंगा। तो दोस्तों गुलाब जामुन को मैंने हल्का सा चला लिया और उसके बाद अब इसको हम 2 मिनट के लिए इसी तरह लगातार उबाल लेंगे। तो दोस्तों गुलाब जामुन मैंने 2 मिनट तक लगातार इसी तरह उबाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आटे की गुलाब जामुन है, तो ये इसी तरह चाशनी इसके अंदर जाएगी। तो अब इस गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको मैं कवर कर दूंगा और लगभग 1 घंटे के लिए मैं इसी तरह इसको छोड़ दूंगा। तो दोस्तों अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाल दिया मैंने 1/2 कप दूध, इसमें डालूंगा मैं 3 टेबल स्पून चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको मैं कर दूंगा अच्छे से मिक्स और इसको मैं अच्छे से उबाल आने तक पका लूंगा। तो दूध में आ चुका है अच्छे से उबाल और चीनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसको मैं कर दूंगा अच्छे से मिक्स। दोस्तों अब इसके अंदर डालूंगा कॉर्नफ्लावर की स्लरी, यानी 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल के मिक्स कर लिया है। तो इसको मैं अच्छे से कर दूंगा मिक्स और इसी तरह मैं इसको चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लूंगा। तो इसी तरह हम इसको चलाने दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, तो इसको हमें और गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो दोस्तों ये हो चुका है अच्छे से गाढ़ा, आप गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो दोस्तों अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसको हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, तो ये और भी गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। तो अब इसको मैं भर लूँगा पाइपिंग बैग में। तो पाइपिंग बैग को इस तरह उल्टा कर दूंगा, यानी ग्लास के अंदर इस तरह, और जो मिक्सर हमने बनाया था उसको मैं पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर दूंगा। दोस्तों पाइपिंग बैग में मैंने मिक्सर भर लिया है, इस पाइपिंग बैग को मैंने हल्का सा काट दिया आगे से, आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब हमारा मिक्सर यानी स्टफिंग जो है वो रेडी है। तो अब जो गुलाब जामुन है हमारे वो भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने गुलाब जामुन फूल चुके हैं, एकदम रसीले हो चुके हैं, और सारी चाशनी को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो लगभग 1/2 घंटे बाद मैंने गुलाब जामुन को पलट दिया था। तो अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा सभी को। तो इनको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स आपस में, आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं एक छल्ली में डाल दूंगा गुलाब जामुन को इस तरह, ताकि इनकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो अब इनको छलनी में डालने के बाद मैं इस तरह गुलाब जामुन को उठाऊंगा, आप देख सकते हैं, और इनको मैं चाकू की सहायता से इस तरह कट का निशान लगा दूंगा, यानी आधा इनको काट दूंगा इस तरह, आप देख सकते हैं, और इनको हल्का सा प्रेस कर दूंगा उंगली से। तो दोस्तों बहुत ही रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं।
तो इनको मैं काट कर प्लेट में रख दूंगा सारे को। तो दोस्तों सभी गुलाब जामुन को मैंने काट कर प्लेट में रख दिया है। अब हम इस तरह एक गुलाब जामुन उठाएंगे, आप देख सकते हैं, और आप अंदर से भी देख सकते हैं कितने रसीले हैं, और इस तरह मैं इनको स्टफ कर दूंगा स्टफिंग से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा गुलाब जामुन। तो इसमें हमें बिना मावा यानी कुछ मावे की जरूरत नहीं पड़ी और ना कोई हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया, और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन है, वो रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह मैं सभी को स्टफ कर लूँगा। तो दोस्तों सभी को मैंने स्टफ कर लिया, आप देख सकते हैं। तो हमारे स्टफ गुलाब जामुन वो रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छिड़क दूंगा थोड़ा सा पिस्ता, और लगा दूंगा मैं इन पर थोड़ा सा सिल्वर का वर्क इस तरह। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। तो दोस्तों हमारे गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।